काम करते समय मजदूरों की मौत पर मिलने वाले अनुदान में बड़ी कटौती। अब सिर्फ इतने लाख ही मिलेगा अनुदान। भवन निर्माण एवं संबंधित अन्य कार्यों में संलग्न निबंधित मजदूरों के आकस्मिक निधन पर उनके आश्रितों को मिलने वाले अनुदान की राशि में संशोधन किया गया है। एक मामले में जहां अनुदान की राशि में कटौती की गई है तो एक के मामले में वृद्धि भी की गई है। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में इसे लेकर झारखंड भवन एवं अन्य सनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की 9 जनवरी को हुई बैठक में निर्णय लिया गया था। अब आश्रित को मिलेंगे 4 लाख रुपए। निर्माण कार्य के दौरान किसी मजदूर की मौत होने पर उसके आश्रित को अब 4 लाख रुपए मिलेंगे। पहले यह राशि 5 लाख रुपए थी, लेकिन यदि किसी मजदूर की असामयिक मौत किसी बीमारी से होती है तो उसके आश्रित को अब 1 लाख की जगह 2 लाख रुपए की सहायता राशि बोर्ड के माध्यम से दी जाएगी। अपंगता पर मिलेगी 3 लाख रुपए। दुर्घटना से अपंगता या आंशिक अपंगता पर पूर्व की तरह अनुदान की राशि मिलती रहेगी। इसके तहत पूर्ण अपंगता की स्थिति में 3 लाख रुपए तथा आंशिक अपंगता पर 2 लाख रुपए प्राप्त होंगे। इन मजदूरों को मिलेगा लाभ। बता दें कि भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 और इससे संबंधित झारखंड में वर्ष 2006 से लागू नियमावली के तहत इस क्षेत्र में काम करने वाले निबंधित मजदूरों को यह लाभ मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर इसके अलावा इनके लिए कई अन्य कल्याणकारी योजनाएं संचालित होती है। इन योजनाओं का लाभ झारखंड भवन एवं अन्य सनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड से उन मजदूरों को मिलता है जो यहां निबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर इसके अलावा उनके लिए कई अन्य कल्याणकारी योजनाएं संचालित होती है। इन योजनाओं का लाभ झारखंड भवन एवं अन्य सनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड से उन मजदूरों को मिलता है जो यहां निबंधित है। बोर्ड इन योजनाओं का संचालन निर्माण कार्य से प्राप्त होने वाले कुल लागत के 1% शेष की राशि से करता है।